आप लोग दया याचिका के बारे में सुनते रहते होंगे। आप सुनते रहते होंगे कि हमारे राष्ट्रपति साहब को के पास एक तरह से शक्ति है किसी को दया करने की या किसी को एक तरह से छूट देने की, और हमारे आपके जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उनके पास भी कुछ कुछ शक्तियां हैं। इनमें को क्या डिफरेंट है, मतलब क्या डिफरेंस है, यानी कि अंतर क्या है, इनको भी हम लोग बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, दया का मतलब होता है किसी से हम लोग दया मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जा चुकी है, उसने जो काम किया है, जो गलत काम किया है, यानी कि जो उसने अपराध किया है उसके लिए सजा हो चुकी है उसे, तो वो क्या करता है कि आप लोग देखते होंगे कि राष्ट्रपति साहब के पास दया याचिका लेकर जाता है कि मुझे माफ कर दीजिए। कभी कभी आप देखते होंगे राज्यपालों के पास भी जाता है। अभी आपने जो दिल्ली कांड हुआ था, निर्भया कांड, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने भी दया याचिका लगाई हुई थी। आपने देखा होगा राजीव गांधी के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, उन्होंने उनके जो हत्यारे हैं उन्होंने भी दया याचिका की बात की है। समझ रहे हैं आप लोग, तो उसी की बात कर रहा हूं। तो ये आपका भारत है, देख लीजिए आप लोग भारत। उसके बाद हम लोग विस्तार से बात करते हैं दया याचिका पर। अगर आपके पड़ोसियों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, और जो दो नए राज्य बनाए गए ना केंद्र शासित प्रदेश, ये लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को अलग करके बनाए गए। ये आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, देख रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय की को सूचित किया है कि वर्ष 1991 की राजीव गांधी हत्या कांड के मामले में दोषी की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अगले 4 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब आपका संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन आपके देश में एक तरह से न्याय करने के लिए सबसे ऊंचे, एक तरह से आप कहिए कि निष्पक्ष संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और आर्टिकल 124 से 147 तक इसका प्रावधान रखा गया है। ठीक है, याद रखिए आप लोग। दूसरा है आपका सॉलिसिटर जनरल। तो याद रखिए आप लोग, महान्यायवादी के बारे में भी सुनते होंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो इसकी सहायता करने के लिए, महान्यायवादी की सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। और महान्यायवादी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सरकार का एक तरह से सरकार को कानूनी सहाय सलाह देने के लिए होता है। और महान्यायवादी की व्यवस्था आपके संविधान में भी की गई है, आर्टिकल 76 देखते हैं ना, अनुच्छेद 76, इसमें इसकी व्यवस्था की गई है। और इसकी महान्यायवादी की नियुक्ति आपके करते हैं राष्ट्रपति साहब, इसकी नियुक्ति करते हैं। अगर राजीव गांधी के मामले की बात करें कि राजीव गांधी तो आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री थे और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। क्या है, सबसे, हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल रहा है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। इंदिरा गांधी के बाद यही बने थे, और राजीव गांधी की के बाद विश्व प्रताप सिंह आपके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, याद रखना आपको। अगर राजीव गांधी की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप जानते हैं 20 अगस्त 1944 को हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 31 मई, या हत्या कह सकते हैं आप लोग, 31 मई 1989 को। और आप जानते हैं कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, इन्हीं के पुत्र हैं, सोनिया गांधी इन्हीं की वाइफ है। ठीक है, याद रखना आपको। दया याचिका की अवधारणा का अनुसरण भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे कई देशों में देखने को मिलेगा। यानी कि दया याचिका की ये अवधारणा है जो भारत के साथ साथ आप अमेरिका में भी देखेंगे, ब्रिटेन में भी देखेंगे, कनाडा में भी देखेंगे। भारत में क्षमा प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत क्रमशः आप देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को सौंपी गई है। यानी कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के साथ शक्ति है, और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपालों के पास भी क्षमादान की शक्ति है। यह देश की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्षमा करने या फिर मृत्यु की सजा प्राप्त अपराधियों की प्रति दया दिखाने के लिए शक्तियों का हवाला देकर एक मानवीय पक्ष जोड़ता है। क्षमा प्रदान करने या अपराधियों के प्रति दया दिखाने संबंधी शक्तियां भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक मानवीय पक्ष को शामिल करती हैं। आप जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका एक तरह से साक्ष्यों पर चलती है, और आप जानते हैं कि कई बार निर्दोष व्यक्ति भी एक तरह से फंस जाता है, तो
तो इसी तरह मुझे लगता है कि इसी तरह की व्यवस्था रखी गई है दया याचिका की। या फिर आप समझिए किसी ने धोखे से अपराध, गलती से अपराध कर दिया, उसके सुधारने की 100% चांस है, तो हो सकता है कि उसके इस तरह की व्यवस्था की गई है आपकी क्षमादान की। ठीक है, सर्वप्रथम वर्ष 2015 में दोषी द्वारा किए गए एक माफीनामे में पर राज्य के राज्यपाल द्वारा विचार नहीं किया गया था। हालांकि सितंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि क्षमादान पर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल पूर्णतः उपयुक्त है। इसके पश्चात आप देखेंगे राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुच्छेद 161 का हवाला देकर आरोपी की उम्र कैद की सजा को रद्द करने की सिफारिश भी की गई थी। हालांकि राज्यपाल का निर्णय अभी भी लंबित है, यानी कि राज्यपाल ने इस पर निर्णय नहीं दिया है। एक क्वेश्चन आपसे कई बार बन जाता है कि क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, तो याद रखना है 161 के तहत। ठीक है, इस पर केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? केंद्र सरकार का पक्ष है कि दया याचिका को राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले की सुनवाई एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है। और याचिकाकर्ता का पक्ष क्या है, जिसने याचिका लगाई है? अपराधी क्षमादान के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल का चयन करने हेतु स्वतंत्र भी है। और याचिकाकर्ता ने भारत संघ बनाम श्री हरण बाग 2015 में संविधानिक पीठ के निर्णय को संदर्भित किया है, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति एवं राज्यपाल में निहित है, यानी कि इन लोगों के पास है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत दोषियों की सजा को रद्द करने की तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव पर वर्ष 2018 में केंद्र की अस्वीकृति अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा के लिए राज्यपाल को अलग से याचिका देने हेतु बाधा नहीं है। सीआरपीसी की धारा जो 432 है, इसके मुताबिक उपयुक्त सरकार किसी भी समय बिना किसी शर्त के या फिर किसी विशिष्ट शर्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति की सजा को रद्द कर सकती है अथवा सजा के किसी भी हिस्से को समाप्त भी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन क्या है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा की गई देरी को असाधारण करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। याद रहे कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता है, हालांकि निर्णय देने को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि सीधा से कहने का मतलब है कि राज्य की जो मंत्रिमंडल होगा, जो वो सिफारिश करेगा, राज्यपाल वही बात मानेगा। लेकिन एक बात इसमें रखी गई है कि राज्यपाल निर्णय देने के लिए जो भी निर्णय होगा राज्यपाल का, समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो यही गड़बड़ हो जाती है। आप समझ रहे हैं, कितना ही लंबा निकालते रहे राज्यपाल, ऐसा ही देखा जाता है। तो राज्यपाल ने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पहले ही राज्य सरकार को फाइल लौटा दी गई थी, लेकिन सरकार अब भी अपने निर्णय पर बरकरार है। क्षमादान की शक्ति की अगर बात करें हम लोग, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करें तो संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 72 में देखने को मिलेगा। यानी कि राष्ट्रपति साहब के पास जो क्षमादान की शक्ति का एक शक्ति है, ये अनुच्छेद 72 के तहत मिली हुई है। इस को भी याद रखिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों: संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि मृत्युदंड की सजा दी गई है तो इस मामले में। यह भी कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रपति साहब को किन किन अपराधों के लिए एक तरह से वो क्षमादान दे सकता है, क्षमा कर सकता है। तो इन तीन पॉइंट को जरूर याद रखिए। अगर इन सीमाओं की बात करें तो राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता है। यानी कि केंद्र का जो मंत्रिमंडल है, इसकी सलाह पर ही ये एक तरह से इस शक्ति का उपयोग करेगा। कौन? राष्ट्रपति। और एक बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है आप राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही चुनते हैं। आप समझिए कि हमारे यहाँ डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है राष्ट्रपति का। आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद साहब को एनडीए ने बनाया है, यानी कि बीजेपी के जो घटक दल हैं उन्होंने एक तरह से बनाया है। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी के खिलाफ चले जाए, समझ रहे हैं आप लोग? तो बीजेपी की जो मंत्रिमंडल है, जो भी प्रधानमंत्री हैं या उनकी मंत्रिमंडल है, उसी की सिफारिश पर, उसी की सलाह पर एक तरह से काम करेगा राष्ट्रपति साहब। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय SC ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 में मारू राम बनाम भारत संघ
और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बाद शामिल है। इन दो केसों को भी याद रखिए, अगर इस तरह के आंसर लिखने के लिए आता है मुख्य परीक्षा में, तब इन इन पॉइंटों को आप लोग वहां डाल सकते हैं। प्रक्रिया की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के पास भेजा जाता है। मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जिसका उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देता है। पुनर्विचार की बात करें तो यदि भी राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, किंतु अनुच्छेद 74(1) उसे मंत्रिमंडल की के पुनर्विचार हेतु याचिका को वापस करने का अधिकार देता है। यानी कि कहने का मतलब है ये कि आप समझिए, मंत्रिमंडल ने कोई सलाह दी है राष्ट्रपति साहब को, तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है उस सलाह को मानने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं मंत्रिमंडल के पास कि आप इस पर एक बार और विचार कर लीजिए। अगर याद रखिए, अगर मंत्रिमंडल उसी तरह का प्रस्ताव दोबारा भेजता है तो इस बार राष्ट्रपति बाध्य होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के पास अब पुनर्विचार की कोई व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। यदि मंत्रिमंडल बिना किसी भी बदलाव के इसे राष्ट्रपति को भेजता है, तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली होता है हमारे देश में, समझ रहे हैं आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मत अंतर अगर पूछे हम लोग, देखिए कई राज्यों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट पीसीएस में, 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में अंतर क्या है। ये आपसे सिविल सर्विस में मुख्य परीक्षा में पूछ ले कि क्षमादान जो राष्ट्रपति राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है, उस पर आपका क्या नजरिया है, या किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तब भी आप लोगों को दोनों के एक तरह से बताना होगा कि इस मामले में राज्यपाल के पास शक्तियां हैं, इस मामले में राष्ट्रपति साहब के पास शक्तियां हैं, ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है, जो निम्नलिखित दो तरीके से भिन्न है। एक तरह से आप समझिए कि राष्ट्रपति के पास अधिक शक्ति है लेकिन राज्यपाल के पास कम है। सैन्य मामले की बात करें तो राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल के पास इस क्षमादान की शक्ति नहीं है, इस मामले को याद रखिए। फिर है मृत्युदंड, राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है, परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है। राज्यपाल के पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं कि किसी को फांसी की सजा दी गई है उसे माफ कर दे, ठीक है, राज्य राष्ट्रपति साहब के पास है। कुछ कुछ शब्द भी आप लोग सुनते रहते होंगे, क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, दोषी को दंड और दंडादेशों तथा एवं निहर्ताओं से पूर्णता मुक्त कर दिया जाता है, एक तरह से पूरी तरह से उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं लघुकरण, इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे आपने देखा होगा किसी को अगर मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा मिली हुई है तो उसे क्या करें कि फांसी ना देकर कठोर कारावास में बदल दिया जाए, इसे आप लोग कह देते हैं लघुकरण। फिर आप देखते हैं परिहार, सजा की अवधि में बदलाव, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को 2 साल का कठोर कारावास है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना यानी कि कम कर देना। फिर आप देखते हैं विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या फिर महिलाओं की गर्भावस्था के कारण उसे कम कर देना, ठीक है। फिर आप देखेंगे प्री विलंबन, ठीक है, किसी दंड को किसी समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना यानी कि अभी से आगे और बढ़ा देना, ठीक है, इसे आप लोग कह देते हैं प्री विलंबन। तो यही कहानी थी आपकी क्षमादान की, और राष्ट्रपति के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया, राज्यपाल, एक बात और याद रखिए, राज्यपाल को आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है,